तुम लोग मिले कैसे? ऐसे आप बताएंगे? मैं बता दें। देखे, किस्मत में था इसलिए शायद अल्लाह ने झुकते ये तुम पैदाइशी फैसला बता दी थी। चलो कह लो, वहाँ पे एक सीनों हमारे साथ कोई थी, एक आदि लड़की जो काफी फजूल हरकतें कर रही थी। खाने पीने के लिए पूछ लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो ही गलती थी मेरी। अच्छा, सैफ ने उससे खाने पीने का पूछा? अब वो लड़की बैठी हुई थी, साहब कहती मुझे भी पसंद नहीं है, तो फिर आपको कुछ और मंगवा दूं। ये तुम्हें इनडायरेक्टली कह रहे हैं हमें डिनर कराओ। सैफ खान कहीं पे भी किसी भी बच्ची को फंसा ले तो बहुत तंग किया हमने को। गट्स कैसे आए कि मैं अब शहर को प्रपोज कर देता हूँ? इवन दो इनको ये भी याद है मैंने इनको फर्स्ट टाइम मेरी जान कब कहा। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो दिल, दुनिया और आगे लॉक। ये क्या है? ये मेरा नाम रखा हुआ है सड़ियल। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ीफाई के साथ मैं हूँ रिदा सईद। आज मेरे शो कैच अप विद अपचन एले में जो दो गेस्ट मेरे मौजूद हैं, सहर एंड सैफ। सहर तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और सैफ मेरे जीजा जी हैं। आइए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप दोनों? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल परफेक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा तुम लोगों से ये है कि तुम लोग मिले कैसे? ऐसे। ये क्या है? ये हमारा कोड वर्ड है। ये कोड वर्ड ऑडियंस को भी तो बताना पड़ेगा। देखें ऑडियंस समझ जाए, बस ऐसे मिल गए, बस अल्लाह ने चाहा हम मिल गए। कैसे? पहली मीटिंग कहाँ पे हुई? आप बताएंगे? मैं बता दें। ये आप तुम में टॉस कर लेते हैं? नहीं, हम जरा मिक्स चलते हैं। चलो मिक्स चलते हैं। जहाँ पे कोई कुछ भूल रहा होगा वो दूसरा उसको बता दे। दरअसल हम मिलते तो पहले भी रहते थे, हम दोनों ने एक सॉन्ग शूट किया था, तो उसके बाद हम यानी कि बात तो नहीं होती थी लेकिन बहुत कम, मतलब हमारी दोस्ती तब सही था, दूसरे को जानना शुरू किया था, एक दूसरे को जानना शुरू किया, उसके बाद यानी कि बात नहीं होती थी, शूटिंग खत्म हो गई, उसके बाद हमारा रास्ता कभी रास्ता नहीं हुआ, कभी रास्ता नहीं हुआ, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद उस शूटिंग के दौरान कोई हम दोनों का लाइक था। वैसा बिल्कुल। वो कौन सा सॉन्ग था? अब जी रहा। अब जी रहा। अच्छा, तो वो सॉन्ग था, उसके बाद कोई आई थिंक एक साल बाद, एक साल बाद मैंने इनकी स्टोरी देखी स्नैपचैट पे, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो मैंने वैसे ही कमेंट किया, तो ऐसी बातचीत होने लग गई। ये नारान चली गई घूमने फिरने, इनका टूर था, आई थिंक फैमिली टूर था, तो उसके बाद जब ये वापस आई तो मैंने इन्हें कहा कि मैं कभी लाहौर आया ना तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो खैर मैं लाहौर गया तो हम दोनों मिले, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि मेरा शूट है तो आप आए, आपने मेरे साथ आने। फोटोग्राफी शूट था, ब्रांड का मेरा ब्राइडल शूट था, ब्राइडल शूट था। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा कल मेरा शूट है, मैंने उधर जाना है, मेरा दिल नहीं है और मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं है। तो वो कहते हैं ना फौरन शोकी शोकी में मैं चला जाता हूँ साथ, मैंने एक और मौका नहीं दिया, मैंने कहा जी आपने अब आना है। शूट कहाँ पे था? लाहौर में था, इस्लामाबाद में, भूरेवाल, भूरेवाल ऐसे कोई नाम था जगह, मतलब फैसलाबाद से गए थे। फैसलाबाद से लाहौर आए पहले, फिर लाहौर से फिर हम गए थे इसके शूट। नहीं नहीं, मुझे याद आया आप फैसलाबाद से लाहौर नहीं आए थे, मैं पहले फैसलाबाद गई मोटरवे पे, ये मोटरवे जब चढ़े फिर मैं इनकी कार में बैठ गई, मेरे साथ दो लड़कियां और थी, फिर हम वहाँ से भूरेवाल गए, वहाँ पे मेरा शूट था और इन्होंने वहाँ पर मेरा बहुत वेट किया था बैठकर, और मुझे ना उस टाइम पे ना इन पर तरस आ रहा था कि ऐसे बैठ, सोया नहीं था एक दो दिन, मैं सोया नहीं था, और जब इसकी शूटिंग थी तब मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी वेट कर रहा था। मेरे साथ मेरा भाई था, एक दोस्त था, वो गाड़ी में चुप आराम से सो रहे थे, वो भी ओबीडियंट थे। हाँ, बहुत बहुत। वैसे ये लाइन कराने की या फंसाने की कोई टैक्टिक्स था क्या, सोच के कहा हाँ चलो चलता हूँ? तब तक कुछ भी नहीं था, जब हम वापस आ रहे थे ना। अच्छा, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। नहीं, हमारा ऐसे कोई, हम लोग दोस्तों की तरह थे और हम में ना कंपटीशन होता था, हम एक दूसरे को झुकते लगाते थे, मैं इनको इनकी बातों पर, फैसलाबाद दिया वो तो झुकते लगा सकते, अब मैं भी बिलोंग करती फैसलाबाद से, मैं भी लोग, लेकिन तब तो नहीं थी। देखे किस्मत में था इसलिए शायद अल्लाह ने झुकते, ये तुम पैदाइशी फैसलाबाद दी थी। चलो कह लो, वही ना, चल अल्लाह ने चाहा वही होना है। यार मुझे झुकते झुकते नहीं आते, उसके ज्यादा थी मुझे बस। तब ना मेरा एक दोस्त है ओमी, वो इसके साथ मिल जाता,
वो भी जुगत बाज है बहुत शरान। वो दोनों इसके साथ मिल जा रहे थे अकेले आते मेरे साथ क्यों को चाहिए था मेरी इज्जत करते नहीं करते थे इसके साथ मिल जाते थे और तोबा क्योंकि वो मुझे नहीं ना जुगत लगा सकते नो भाभी। और दूसरी बात ये कि मुझे जुगत लगाते फिर मैं उन्हें लगाती मैं उन्हें जुगत लगा देती थी वो सोचते थे ये भाभी इनको कैसी जुगत लगाए इसलिए वो मेरे से पंगा ही नहीं लेते। अच्छा तो मैं एज लेती थी भाभी होने का। हाँ तो उठ के अभी वैसे तब तक तो तुम भाभी नहीं थी ना अभी बुरे वाला तक लेकिन बिल्कुल नहीं थी। कोई भी वहाँ पे हमारे दोस्तों की तरह हम लोग गए थे वहाँ पे। वहाँ पे एक सीनो हमारे साथ कोई थी एक आधी लड़की जो काफ़ी फजूल हरकतें कर रही थी जिस पर मैंने इनको डांटा। मैंने एज अ फ्रेंड मतलब मैं समझा रही थी इनको कि इस तरह नहीं होना चाहिए और एज अ फ्रेंड उसको भी मैं समझा रही थी नहीं ऐसे ये समझाना नहीं होता सेफ कर। अच्छा ओके जी हाँ मैं उनको समझा रही थी कि गलत बात है तमीज से ज़रा ठीक है। तो खैर हम वहाँ से जब वहाँ से चले गए तो फिर इनको ना फील हुआ फिर इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं फिर इन्होंने कहा जब पसंद करते हैं मुझे वो बताओ वो गलत हरकत क्या थी बताना पड़ेगा देखिए आप खुद बता दे बताना पड़ेगा जो बात करेंगे कि कोई आया उसे कुछ खाने पीने के लिए पूछ लेना चाहिए। अच्छा अच्छा वो ही गलती थी मेरी। अच्छा सैफ ने उससे खाने पीने का पूछा नहीं, नहीं, ऐसी बात ज्यादा पूछ लिया ना पूछने का एक तरीका होता है। अब हम बैठ के खाना खा रहे हैं ठीक है हम बैठ कर खाना खा रहे हैं और वो भी माशाल्लाह से क्या बंदी थी मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बंदी नहीं देखी। खैर हम बैठ के खाना खा रहे हैं मुझे ये कह रहे हैं कि वो कढ़ाई पड़ी हुई थी मैं नहीं खाती ज़्यादा मुझे बहुत मुश्किल खाने पसंद आते हैं कहीं के और वैसे भी मैं देसी हूँ तो मुझे पसंद नहीं आई। अभी कह रहे नहीं नहीं खाओ खाओ खाना तुमने खाना है खाओ। मैंने कहा ठीक है पीछे पड़े हुए मेरे खाना खाओ। मैं तब भी कह रही थी अच्छा खा लेती हूँ क्या है क्योंकि तब ऐसा कुछ था नहीं ठीक है यही वाला खाना खाओ ये बुरा नहीं है। अब वो लड़की बैठी हुई थी साहब कहती मुझे भी पसंद नहीं आया तो कह रहे आपको कुछ और मंगवा दूँ व्हाट मुझे बोले मैं यही खाऊँ उसको आपको कुछ और मंगवा दूँ उसके बाद उसकी और ज्यादा ना डिमांडिंग होगी वो लड़की। वैसे वो लड़की कौन थी फेमस है छोड़ छोड़ फेमस है हाँ नाम नहीं ले सकता। दरअसल मुझसे ये गलती हो गई इसने मुझे कहा मुझे कढ़ाई पसंद नहीं है मैं ऐसे कह रहा हूँ तुम्हें तो कुछ नहीं पसंद आता तुम खाओ यही खाओ खाओ यही खाओ मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने कुछ और मंगवा दूँ। अब वो मुझे कह रही थी कि मैंने पता नहीं क्या पीना है ये पता नहीं क्या था शीशा था जी जी अरेंज करवा दूं वो तो मुझे भी पता है कसम खा लेता हूं। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो शहर के साथ आई थी। मुझसे तो नहीं पूछा मेरे साथ तो 10 बार मिल ली है शहर के साथ मुझे तो कभी कभी घर पर भी थे। हाँ अभी तो मेरे घर से आए हो तो वो तो फिर आपको मैंने कर तो मैंने चाय नहीं पिलाई चाय नहीं पिलाई ये भी पड़ी है चाय भी घर पे भी पिलाई है मेरी बात सुने लेकिन मुझसे तो कभी नहीं पूछा आपको कुछ चाहिए या पानी पीने बहन ये तुम इंडायरेक्टली कह रहे हैं हमें डिनर कराओ अभी करा देती हूँ नीचे जाके फिर मुझे कहेंगे कि तुम रहने दो तुम यही खाओ मुझे ना वैसे ना शुरू से आदत है मैं जब दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ ना मुझे होता है कि खर्चा मेरा ही हो शुरू दिन से खर्चा मेरा ही हो। खैर जब ये आए मैंने कहा ऐसी भी तैसी खर्चा तो आपका होगा खैर दोस्त है ना मतलब दोस्तों में हम लोग में कॉम्पिटिशन होता था। अब दो बोतलें पड़ी हुई थी पेप्सी और स्प्राइट मैं स्प्राइट पीती हूँ। खैर हमने खाना खा लिया मैंने कहा बोतल उठाओ गाड़ी में लेके जाओ गाड़ी में पियेंगे क्योंकि मूड हो गए थे ऑफ। मैंने कहा मुझे तब ऐसा ध्यान नहीं था जेलसी फील नहीं थी ये था कि मैं दोस्त हूँ मुझे कह रहे यही खाओ और उसको कह रहे कि तुम्हें नया मंगवा दूँ लाइने शाइने मार रही घर जाके मारो ठीक है मेरे साथ आइए वो या तुम मेरे साथ हो। मैं इस टाइम अपने भाई के साथ प्यारी थी नहीं पूछ लो जैसी भी थी लेकिन मेरा वैसा मायने प्यारी भी होती तो नहीं वो मेरे मेहमान हाँ। अब ये क्या कह रहे हैं सुनो बोतल उठा के वो लेगी दोनों मेरी गाड़ी में वो मेरी गाड़ी में थी मैं सैफ की गाड़ी में। मैंने कहा यार उससे स्प्राइट ले आओ मुझे मैंने वो पीनी है ये कह रहे हैं रहने दो उससे मांगोगी अच्छा लगेगा मैं नहीं ला देता हूँ अल्लाह
मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं रिदा, मेरा ये था चलो इस गाड़ी में, चलो उस गाड़ी में उतार के बिठा तो नहीं दिया था इसने। अब एक बंदा बोतल टेबल पर पड़ी उठा के अपनी गाड़ी में ले गया, दो बोतलें। अब मैं उसकी गाड़ी में जाऊं और उसे कहूं मुझे मेरी बोतल वापस कर, सर वैसे हां तो मैंने कहा तो लेकर आओ, अगर मैंने कहा है सर ये बहुत अनएथिकल है, कोई हो सकता है उसने आधी पी ली होती उसके मुंह से निकल ली हो, अगर मैंने कहा है तो वो चीज होनी चाहिए, वो जैसी मर्जी है नहीं ला देते सर। 5 घंटे का सफर था नहीं ला देते, सुनो सुनो 5 घंटे का सफर था, खाना खा के निकला हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, एक मेरा दोस्त, एक मैं, एक मेरा प्यारा सा भाई शेरान खान और एक शहर है यार जुगतों पे जुगते, वो जुगते लो स्टैंडर्ड, सैफ खान लो स्टैंडर्ड, सैफ खान कहीं पे भी किसी भी बच्ची को फंसाने तो बहुत तंग किया हमने को बहुत ज्यादा, कि एंड पे ये सैफ उतर के दूसरी गाड़ी पे बैठ जाते, हाँ दूसरी में वो बैठी थी ये बैठते ये मोटरवे के पास, उसको इसके पास बिठा देते। अच्छा हम स्टेरिया पे रुके तो स्टेरिया पे आकर बोलती है वो कि वो जरूर ये देख रही होगी शो ना, कोई मसला नहीं देखो स्टेरिया पे आकर ये कहती है मैं इस गाड़ी में बोर हो रही हूँ, मैं तुम्हारी गाड़ी में आ जाऊँ यार, मुझे ना ऐसी वैसे मेरा कभी मेरा वल्ला ऐसा कोई माइंड नहीं था तब सैफ के साथ, लेकिन मुझे ऐसी छिछोरी लड़कियाँ नहीं पसंद, तो मैंने कहा एक मिनट से पहले गाड़ी में जाओ, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, मतलब क्या मतलब मैं इंटरव्यू के बाद उसका नाम पूछूंगी, मैं इंटरव्यू के बाद मैं वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है मैंने कहा चलो तुम गाड़ी। हम लोग रिलेशन में आ गए काफ़ी टाइम बाद की बात बता रहा हूँ, मुझे वहाँ से ही बात बताओ फिर रिलेशन में कैसे आई वो ये बात याद नहीं आएगी ना दोबारा। अच्छा अच्छा ओके जल्दी। मैं जब आया ना लाहौर इसके घर के बाहर पहुंचा, मैंने मोबाइल अपना ऐसे किया और उसका मैसेज आया, मैं डर गया, मैंने कहा क्या हो गया सर इतना रो मेरे मासूम भाई पे, वो रो कि मेरी फिर दोबारा बेइज्जती ना तो और क्या डर है रो अब इस चीज का, हम लोग सिर्फ झुकते लगाते हैं झुकतों में आप इंसान को आधा मार देते हो, आपको पता है एनु कुछ नहीं होता उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनको बहुत मजा आता है जिसपे हो रही होती है उसको तो किसी भी सिचुएशन में मजा यार इनको कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बता रही हूँ इनको जुगते पड़ रही है या ये मार रहे हैं इनको एक ही बात है, इनको नहीं फर्क पड़ता ना ओमी भाई को फर्क पड़ता ना शेरान भाई को, हम सारे इस तरह एक दूसरे को बस जुगते लगा, शेरान भाई माइंड कर जाते हैं, शेरान भाई माइंड बड़े है ना, हाँ वो बड़े लेकिन वो माइंड कर जाते हैं, लेकिन बहुत झुकते लगाते हैं वो भी। अच्छा बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी कोई माइंड नहीं करता, परफेक्ट सीन है। अच्छा फिर वो वाला सारा सीन हुआ, सैफ किस तरह वो सॉर्ट आउट किया, घर आके सॉरी किया, फिर सर ने क्या कहा? दो दिन बाद हमारी बात हुई, दो दिन बाद फिर इसने मुझे कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया लाहौर, ओए होए वाकई हुआ था, मैंने कहा लाहौर हो रहा हूं, मैंने कहा ज्यादा चोट तो लगी नहीं लगी है, मैंने कहा अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूं लाहौर, रात के 1 बजे का टाइम था मैं दिल पे लग गई हुई थी बुलाने की टैक्टिक्स से दिल पे चोट लगी, मेरी कमर पे चोट, बैडमिंटन कैसे खेल ठीक हो गई थी ना यार मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ बट बेबी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है ये तो तुम्हें तो चोट लगी थी, लगी अभी अभी बाहर आई हूँ, और मैं वरना उस टाइम अभी बाहर आई थी आगे सब मेरे साथ शेरान और ओमी वो मेरे साथ ही होते हैं ना ज्यादातर, मेरा एक ही दोस्त है और मेरा जो भाई है वो भी मेरा दोस्त ही है, हम तीनों अच्छे भाई है, तीनों बॉन्डिंग अच्छी है ना, बहुत अच्छी बात है, बाहर फ्रेंडशिप से बेहतर आप घर में फ्रेंड्स बन जाओ, तो वो मेरे साथ थे, तू साढ़े नाल चुप हो जा, तूने कहा वो अभी निकल रहा है, मैं तब स्नूकर खेल रहा था तो मैंने स्नूकर गेम छोड़ दी अपनी, मैंने कहा अभी निकलना छोड़ो चलो, तब ऐसा कुछ नहीं तब रिलेशन था नहीं ना था नहीं था नहीं था खैर ये फ्रेंडशिप में सब कुछ हो रहा है, फ्रेंडशिप में हो रहा है। अच्छा
मैं भी हवा में तीन चिराया चल गया। अच्छा फिर यार मैं लाहौर पहुंचा पूछा, अब जब वापस आ रहे हो तुमने हमारे साथ झूठ बोला, तू वैसे कह रहा था हमने लाहौर जाना है, हम सब चल आते, अब घर से भी मिस्ती रहेगी। मैंने कहा यार फिर क्या हुआ, अब मुझे कि मेरे मामा मेरी गई हुई थी इस्लामाबाद, इनके सब इनके फैमिली मेम्बर्स खानदान के सब गए हुए, अब मामा की वजह से मुझे कॉल आ गई, मामा ने नई नई स्नैपचैट बनाई, मुझे नहीं पता अभी भी नहीं मुझे मैं मतलब कुछ नहीं खाती, बीफ मटन कुछ नहीं, चिकन खाती हूँ उसमें भी सिर्फ लेग पीस। चार किलो लेग पीस तो नहीं लिया थे मैं, ले ही ना है ये कुछ खा लेते हैं। मैं अपनी तरफ से फुल मजाक कर रहा था इसके साथ, मैंने ना हम खाना खा रहे, मैं ओमी शिकांत बाहर ना रात के टाइम था 3-4 बजे, तो खाना खा रहे अब लेग पीस आ गया सामने, कढ़ाई खा रहे थे चिकन कढ़ाई, अब मैंने लेग पीस को देखी ना इतना मुझे नहीं याद जितना इनको याद है यार, तुम ये केमिस्ट्री एक एक बात याद है इनको, मुझे नहीं याद चेक करो बिकॉज यू वर नॉट सीरियस एट दैट टाइम, ही वाज सीरियस। और इनको ये भी पता, एक बात बताओ दिमाग में बैक एंड पे था कि मैं प्रपोज करूंगा, क्या अच्छी लगती थी किस कुछ भी नहीं था कि ऐसे ही बस चलते जा रहे थे, इतना कुछ कैसे आप किसी के लिए कर सकते हो जब तक आप उसके लिए सोचते नहीं हो। आहिस्ता आहिस्ता इवन दो इनको ये भी याद है मैंने इनको फर्स्ट टाइम मेरी जान कब कहा और मुझे नहीं याद, और वो क्या डेट थी यार, वो तब दोस्ती थी ऐसे ही निकल गया मुंह से, पता क्या हमारे घर पे नॉर्मली चलता है मेरी जान मेरी जान, मैंने इनको स्नैप भेजी और उसमें मैंने बोल दिया अब मैं निकल मैं जा रही हूँ मेरी जान, तो उन्होंने कहा मुझे मेरी जान, ये भी मुझे इन्होंने कुछ टाइम पहले बताया, गिटार बजने लग गई होगी दिन में, हाँ और वो भी स्नैप इन्होंने सेव की हुई है जो मैंने इनको स्नैप भेजी थी स्नैपचैट पर, वो सेव करके मुझे भेजी, एक एक चीज मुझे रिमाइंड करवाई कि ये इस दिन ये हुआ था, तुमने ये बात इस दिन से स्टार्ट की थी, ये इस दिन स्टार्ट की थी, सब कुछ याद है ना, पर मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो होना था हो, नहीं होना हुआ कैसे, फिर गट्स कैसे आए कि मैं अब शहर को प्रपोज कर देता हूँ, कब ऐसा लगा कि हाँ यार मुझे शहर को प्रपोज कर देना चाहिए? कुछ इनकी भी प्यारी बातें पसंद आ गई। कौन सी प्यारी बात शहर की, शहर की सबसे अच्छी बात कौन सी है? शहर दिल की अच्छी, साफ। मेरा शहर के साथ पहले कुछ भी ऐसा ज़हन नहीं था, मैं शहर के साथ घूमा फिरा हूँ तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी जैसे अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, नखरे नहीं है, नखरे नहीं है, प्योर है, कितनी देर तक ये सब चलता रहा? ये चलता रहा महीने, चलता रहा महीने से भी ज्यादा, नहीं नहीं 2 महीने ज्यादा, वही कह रहा हूँ महीने से भी ज्यादा। फिर उसके बाद प्रपोज कैसे किया, कोई फ्लावर कुछ ड्रामेटिक फ्लावर इतना फ्लावर्स मुझे तब उसके बाद से देना शुरू किया, तब नहीं दिया उसके बाद, मुझे याद है शरान ही थे उस दिन भी, मैं उम्मीद शरान से पूछ रहा है यार मैं क्या करूँ मेरा दिल परेशान है, मैंने कहा किस बात से, खैर उन्हें मैंने नहीं बताया, मैंने कहा उनको बताऊंगा वो मेरी ना वो कहेंगे तू किट लगा देंगे, नहीं वो कहेंगे कि तू हर लड़की को ऐसा ना सोचा कर, क्यों पहले भी सोच रहे थे, पहले भी सोच रहे थे इसके बाद लड़ाई होगी, मैं उनकी सोच जानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा तू हर लड़की लेकिन मैं दरअसल बहुत कम मोबाइल यूज करता हूँ, चैट करने का मेरा बिल्कुल नहीं करता, कॉल कॉल मुझे पता है कॉल निबी निबा, तुम दोनों मेरे निबी निबाओ, आगे बोलो
सिम्बानी मेरे लिए निभाओ, आगे बोलो। रात को ही, रात के टाइम था तो मैंने इसे प्रपोज किया। इसने मुझे मुझे उम्मीद थी कि ये कर लेगी, लेकिन अच्छा पता था। मैंने मजाक उड़ाया। परसेंट मजाक है, कितने परसेंट उम्मीद थी कि मैंने मजाक ही उड़ाया था। ये नहीं पता। मैंने मजाक में हाँ हाँ करी गई मैं, तो ये गुस्सा कर गई। फिर मुझे मतलब जब इनके मैसेज जब गुस्से में रहने लगे मुझे समझ आ गई सीरियस क्या बात की थी वो बताओ सर। सर कैसे वो भाई और दोस्त को नहीं बताया था तब तक? नहीं, वो मुझसे पूछ के बताया। अच्छा, सबसे पहले शहर को बताया। परेशान थे तो परेशानी में घर वाले पूछते थे सैफ क्यों मजनू लग रहे हो, परेशान हो? नहीं, वो अब कहते हैं, पहले नहीं कहते। मेरा मतलब ये था मैं घर में हूं भी और ना भी हूं एक ही साथ। क्यों? मैं कमरे में, अपने कमरे में जब बैठ जाऊं तो ऐसे ही होता है कि बस कोई भी कर ले। मुझे ऐसा लगता है डीप एंड डार्क सोल है सैफ। या ये सिर्फ मेरे साथ बोलते हैं, मैंने इनको किसी के साथ बोलते नहीं देखा। मुझे पता, सिर्फ मेरे साथ। अगर मैं पूरा दिन बोलूँ ना सबसे ज्यादा तो मैं इसके साथ बोलता हूँ, बस सिर्फ मेरे साथ। और मैं नहीं बोलता। हम वापस आते हैं, फिर रात को शहर को बताया। बात उधर ही आती यार। फिर रात को शहर को बताया। शहर को बताया क्या? बताया कि मैं परेशान हूँ। शहर में परेशान हूँ, परेशान हूँ, मेरा 150 रुपए गुम गया। इसने काफी जैस करवाया। 150? दिल तो आप जैस कैश नहीं करवा सकते ना, वो उसको दिल चाहिए था, उसका दिल गुम हो गया था। फिर सिर्फ इतना फीका प्रपोज? उस टाइम ये फीका नहीं था, अभी फीलिंग्स नहीं है ना। नहीं नहीं वाली। अच्छा फिर क्या बताया वो बताओ मुझे। जितना भी टाइम स्पेंड किया उनके साथ बहुत अच्छा किया। मैं मेरे बारे में गलत मत सोचना, जो मेरे दिल में है वो तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर मैंने इसको कहा। क्या कहा? आगे तुम भी बता दो, इधर मैं ही बोल रहा हूँ। मुझे लगा ये प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब तुम लोगों का मजाक चलता रहता था ना? काफी देर लगता रहा मुझे। काफी देर यही लगता रहा कि मैं इसके साथ मजाक कर रहा हूं। काफी टाइम मैं ये समझती थी प्रैंक कर रहा है। फिर मुझे समझ आई नहीं 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 ये सही कह रहा। मैंने कहा अच्छा चलो सोचूंगी, देखूंगी, फिर बताऊंगी, है ना सैफ खान। इसकी उस दिन किस्मत खुल गई थी। सिर्फ उस दिन खुली थी, अभी तक बंद है तब से। और मैं भी दिल में थी यही कि सब मजाक है। मुझे नहीं पता था, इसने उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद जब इसने इसके साथ में काफी नहीं, मेरा ख्याल है मैंने जब पता कि मुझे जब वाकई लगा कि हाँ आप कुछ है। इसको जब लगा पता, तुम्हें किस पॉइंट पे ऐसे आके लगा कि हाँ वाकई है? जब लो आप सारा कुछ मत बताएं, आप सारा कुछ मत बताएं। अगर तुम्हें किस टाइम आके लगा कि हाँ सैफ? जब सोशल मीडिया पे जरा बातें शुरू हो गई ना कि सैफ और सहर आजकल साथ रहते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो इन्होंने मुझे कहा ओपन कर दो। तो मैं इम्प्रेस हुई इस बात से कि अब ये बंदा सच्चा है, लॉयल है, और ये मेरे साथ रियल है कि इसने एक दिन नहीं और निकाला तो मुझे कह रहा ओपन कर लो, सबको बता दो। मतलब होता है ना लोग टाइम वेस्ट करते हैं, रहते हैं रिलेशन में, बताना नहीं है, छुपा कर रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल। इन्होंने कहा ऑफिशियल मसला कोई नहीं, बताओ। मैं कुछ ही टाइम बाद, अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, इन्होंने मुझे अपनी मम्मा से मिलवा दिया। सो स्वीट। फिर उस दिन मुझे, मैंने सोच लिया था अब जो है सैफ है और कुछ नहीं। आंटी का क्या रिएक्ट था? आंटी इतनी अच्छी है माशाल्लाह, इतनी अच्छी है। मैं बहुत ज़्यादा ना डर रही थी उनसे ना मिलने से पहले। ज़ाहरी बात है हर लड़की डरती है, तो मैं कोई स्पेशल नहीं थी, जो मैं ही डर रही थी। खैर मैं मामा से मिलने गई इनकी, और इनकी मामा शी वॉज़ सो नाइस, बहुत अच्छी थी, हैं और बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। वो मुझे इस तरह मिली जैसे हम दोस्त हैं, वो मामा नहीं है, वो फ्रेंड है मेरी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, अपने साथ बिठाया, बातें की, उन्होंने मेरे साथ मिलकर सैफ को जुगते लगाई। हो जो मुझे उस टाइम मज़ा आया जुगतों का, मैं सब कुछ भूल गई।
जब वो मेरे साथ मिल गई उस टाइम ना, तब मामा को मतलब नहीं पता था इतना, पता था इतना नहीं पता था, मतलब जाहिर है कि मैं पहली थी जिनसे इन्होंने अपनी मामा को मिल पाया है ना। बहुत सारी थी जिनको बाहर रखा, बहुत सारी थी जिनको बाहर रखा। अच्छा, तो जब मामा को पता था लेकिन इतना नहीं पता था। खैर अच्छा, उनका बर्थडे था, हम खाना शाना खाया, मैं वापस आ गई, ठीक है। तो बस शुरू हो गया, ज़्यादा मैं नहीं बता रही। हाँ बहुत है, कुछ और पूछो। अच्छा ठीक है, हाँ अब और क्या पूछूं। और आप लोग मुझे ये बताओगे कि जब रिलेशनशिप डिस्क्लोज किया, जो हेट कमेंट्स थे उनको किस तरह से टैकल किया, सैफ ने कितना सपोर्ट किया तुम्हें? सैफ तो मुझे, अच्छा मैं देखती थी सैफ, ये देखो ना लोग ये कह रहे हैं, ये बताइए तुम क्यों देख रही हो, छोड़ो आओ हम इधर चले, हम इधर चले, मुझे कहीं ना कहीं ले जाना, मेरे साथ बात करना, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। सैरिया तुम क्यों देखती हो, अच्छा हम एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, सैफ खान, सैर हयात, पूरे पूरे नाम से, कोई निकनेम नहीं है, है ना, क्या मेरा नाम रखा हुआ है सड़ियल, अच्छा नाम भी बता दो जो कहते हैं। यार ये तो स्वीट नेम नहीं है, नहीं मुझे कहते हैं सड़ियल, तुम क्या कहते हो? मैं इनको फैसी, फैसी ये अच्छा है, ये अच्छा निकनेम है। सैफी कहते हैं सब, मैं कहती हूँ मैं थोड़ा अलग नाम लूँ तो मैं इनको फैसी कहती हूँ, सब सैफी कहते हो तुम, फैसी, हाँ मैं फैसी बोलती हूँ। और आप क्या कहते हैं इनको? मैं इसको कहता हूँ जिंदगी जी। हाँ तुम दोनों की ना, मैंने एक वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो दिल, दुनिया और आगे लॉक, लॉक ये क्या है? अच्छा वो कभी हम लोग मैसेज में बात कर रहे हो, मुझे बोल दे सर आई लव यू, इसके साथ अगर मैं वो चीज़ें ना लगाऊं, अच्छा मेरी लड़ाई हो जाती है, या ये ना लगाएं तो मेरी लड़ाई हो जाती है। यार वो बहुत दिल फिर दुनिया और फिर लॉक, क्या है इसके पीछे क्या है? दरअसल मैं नहीं लगाता था। अच्छा घर से बाहर जा रहा था तो मेरा नेट नहीं हो रहा, मैंने इसको ऐसे भेज दिया मैसेज, वो नहीं भेजा, ओके टेक केयर लव यू बाय, बस। हाँ फिर तुम्हारा क्या था, बाइक के साथ ही तुम वापस उसको ले आई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं 3 घंटे साथ ही रहा, माफिया का सफर था मेरा और 15 मिनट मैसेज ही आते रहे मुझे। 300 तो आ ही गए होंगे। नहीं नहीं 3 थे, 300 के बराबर, 3 ही थे बाकी 300 के बराबर। अच्छा फिर उसके बाद वो गलती दोबारा नहीं की मैंने। अच्छा तुम्हें सैफ की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है सर, जिस चीज ने तुम्हें अट्रैक्ट किया? तारीफ मत करवाओ हमें, बात हम दूसरे की तारीफ, मैं ये मेरी तारीफ कर देते मैन कर दी। आज तो तुम करोगी, मेरे भाई को भी पता चलना चाहिए ना कि तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगती है। करती है ना मेरी, बहुत ही कम करती है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, तो तुमने तारीफ की मेरी, अच्छा मैं कुछ नसीब हूं, तुमने मेरी तारीफ कर दी, बहुत कम करती है। अभी करवाती हूं, करो कौन सी चीज अच्छी लगती है, तारीफ करनी है। अच्छा मुझे इनकी ये चीज अच्छी लगती है, मेरे में बहुत गुस्सा है, इनमें भी बहुत गुस्सा है, लेकिन ये फौरन सॉरी कह देते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये सॉरी कहते हैं और पूरा दिन सॉरी कहते रहते हैं, और जब मैं नहीं मानती तो दोबारा नाराज हो जाते हैं, दोबारा नाराज हो जाते हैं, नहीं फिर सॉरी कह देते हैं। यार दिस इज सो क्यूट, फिर सॉरी कह देते हैं। अच्छा अब ना अपनी गलती मान लेते हैं। अब तो मुझे पता चल गया है किस तरह से शुरू हुआ और अब तक पहुंच गया, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, कब तक हम देख सकते हैं कि हाँ सहर एंड सैफ सहफ हो जाएंगे? अभी थोड़ा टाइम है अभी, मुझे भी कुछ करना है अपने लिए, अपना करियर देखना है आगे, इनको भी इनको भी करना है कुछ, अभी है कोई 2-3 साल, 2-3 साल है, 2-3 साल हाँ तब तक करियर दोनों के स्टेबल हो जाएंगे, फिर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। अच्छा बाकी जो अल्लाह को मंजूर। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ।